नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल इंजीनियर साहब का स्वागत है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एक वीवो Y51L मोबाइल है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, EMMC का हेल्थ पूरा डैमेज हो गया दोस्तों। हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड बोलकर आपको शो कर रहा है, देख लीजिए दोस्तों एक बार। हमारा MLC तो 90-100% लाइफ टाइम खत्म हो गया है, बाद में SLC 0-2 है दोस्तों। ये बराबर तो है, लेकिन मेन से ये हमारा MLC खराब होने की वजह से हमारा मोबाइल तो ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए हम अब ये EMMC को रिपेयर कर देंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम मेन से हमारा हेल्थ रिपोर्ट को सही करने के लिए हमारे इसमें कौन सा MMC है कि हम पहले चेक करना पड़ेगा। इसमें दिया हुआ है दोस्तों SK Hynix वाला MMC है। अब देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा SK Hynix MMC है। इसको हम क्या करना है को बोल तो, पहले हमारा डंप पूरा रीड कर लेना है। इसका ROM 2 ROM 3 है, 4 MB फाइल है दोस्तों, और हमारा ROM 1 फाइल है ओनली 16 GB का। इसका मतलब है ओनली 216 GB वाला है दोस्तों MMC, इसलिए हम इसको 128 MB रीड कर सकते हो और 256 और फाइल कौन सा भी आपका मर्जी रीड कर सकते हो दोस्तों। ये पहले हम रीड करके, बाद में हमारा नेटवर्क फाइल्स भी रीड करके, बाद में हमारा पार्टीशन को एरेस्ट करना पड़ेगा। अब हम पहला इसको रीड करने के लिए हमारा डेस्कटॉप पर एक ऐसा एम्प्टी फोल्डर बनाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक एम्प्टी फोल्डर बना दिया है, इसमें हम सेव कर लेंगे हमारा डंप फाइल्स को। इसलिए हम पहला ROM 2 ROM 3 फाइल्स को रीड करना पड़ेगा। ROM 2 फाइल को रीड करने के लिए ROM 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, करके डायरेक्ट हम ऑटोमेटिक से 2-3-4 MB का यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, उसलिए हम डायरेक्ट इसमें कुछ भी करने का नहीं है, ओनली रीड MMC कर देंगे। करके हमारा फोल्डर कहाँ पर रहेगी उसे हम सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। हमारा फोल्डर में जाएंगे, देख लीजिए दोस्तों, इसमें हमारा फोल्डर कहाँ पर है, वीवो Y50, ये हमारा फोल्डर, इसमें हम सेव करना पड़ेगा। देख लीजिए दोस्तों, हमारा ये बहुत एरर आने के बाद ऑल डन हो गया है। इसके बाद में सेम वही तरीके में ROM 3 को भी हम सेलेक्ट करके रीड कर देंगे। मेन से इसको हम ISP में कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो MMC रिमूव करके बॉक्स में भी लगा सकते हो दोस्तों। मैं इसको ISP में कनेक्ट कर दिया, ISP में कनेक्ट करके रीड कर लेता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा बफर स्पीड कम रहेगा ना, इसलिए थोड़ा कम MB हम इसमें रीड कर लेंगे। और ROM 1 को ओनली 128 MB हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, 120 MB रीड कर लेता हूँ मैं। देख लीजिए दोस्तों, ROM 2 ROM 3 सेलेक्ट हो गया होने के बाद ROM 1 को रीड कर लेंगे। देख लीजिए, ROM 1 भी रीड हो रहा है, ओके। देखिए दोस्तों, हमारा ROM 2 ROM 3 ROM 1 फाइल्स को रीड हो गए हैं। इसके बाद में हमारा नेटवर्क फाइल्स को पूरा रीड करना पड़ेगा, उसलिए हम रीड बाय वेंडर में जाएंगे। रीड बाय वेंडर में जाने के बाद ओके, देख लीजिए दोस्तों, इसमें पहला हम रीड बाय वेंडर में जाके हमारा CPU कौन सा है वो हम सेट करना पड़ेगा। इसमें CPU है दोस्तों Qualcomm है, इसलिए हम Qualcomm सेट कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको CPU दिखाएगा MediaTek का Snapdragon कौन सा भी दिखाएगा, इसलिए हम हमारा कौन सा CPU को सेलेक्ट करके उसके बाद फाइन बाई पार्ट्स में जाना, फाइन बाई डिवाइस में जाना दोस्तों। इसके बाद में जाने के बाद ऐसा कुछ रीड हो जाएगा, रीड होने के बाद सर्च हो रहा है, रीड होने के बाद हमारा यूज़र डेटा, वेंडर और सिस्टम फाइल को अनचेक करके पूरा फाइल को रीड करना पड़ेगा। हमारा ये MMC हेल्थ डैमेज होने की वजह से ज़्यादा एरर्स आ रहा है, इसलिए हमको थोड़ा टाइम तो लग रहा है, इसलिए हम फिर से और एक बार स्टॉप करके रीड करना पड़ेगा, जब हमारा साथी से रीड हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अब मैं स्टॉप करके एक बार रीड करके आपको मैं बता दूंगा दोस्तों। मैं हमारा ये मोबाइल को ISP से निकाल के MMC को रिमूव करके हमारा पार्टीशंस को रिपेयर कर लिया दोस्तों। रिपेयर करने के बाद ISP में नहीं हुआ है, हम MMC निकालने के बाद हमारा MMC का हेल्थ रिपेयर सही हो गया दोस्तों। अब देख लीजिए, स्मार्ट रिपोर्ट कर देता है मैं, 0-10 0-10 आ गया दोस्तों, हमारा MMC तो बराबर हो गया है। अब इसमें फिर से हम क्या करना है, हमारा रीड कर लिया सो डंप को पहला हम वेट कर देंगे, इसलिए हम क्या करना, हमारा वाइट ऑल MMC रिजन्स को सेलेक्ट करके हमारे यहाँ पर ROM 1 को सेलेक्ट कर देंगे। ROM 1 कहाँ पर है, हमारा डेस्कटॉप पर है दोस्तों, उसे डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इस पर है, देख लीजिए दोस्तों, ROM 1 को सेलेक्ट करके ओपन करके वाइट ऑल को सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। ये पूरा वन टाइम वाइट हो जाएगा, ROM 2 ROM 3 ROM 1 सब कुछ इसमें, और EXT CHD फाइल इसमें आसान से वाइट हो जाएंगे। होने के बाद हम इसको फर्मवेयर को वाइट करके हमारे मोबाइल में लगा के IME रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों, जब हमारा मोबाइल सब कुछ रनिंग आ जाएगा। अब ये पूरा होने के बाद फिर से हम इसको फर्मवेयर को वाइट कर देंगे।
ओके ठीक है दोस्तों, हमारा सब कुछ इसमें फाइनल डंप सब कुछ इसमें राइट हो गया है, ऑल डन हो गया दोस्तों। होने के बाद एक बार चेक कर देंगे, चेकिंग में एमसी मार देंगे, अभी पार्टी में सेलेक्ट कर देंगे। ओके सर, बाद में राइट भाई वेंडर में जाके एक्सएमएल फाइल को वेट कर देंगे, हमारा फाइनल को वेट कर देंगे दोस्तों। अब आप अपना सेलेक्ट करके वेट कर जाना है दोस्तों इसको, अभी पूरा वेट होने के बाद फिर से मैं आपको बता दूंगा। ओके अब देख लीजिए दोस्तों, हमारा ऑल डन हो गया है, फाइनल भी लोड हो गया दोस्तों, इसके बाद में बूटिंग बचने के बाद हम वेट कर लेंगे। सब कुछ ऑलरेडी वेट हो गया है, और चेक ईमेल से कर देंगे एक बार। अब देख लीजिए, आपको मॉडल भी शो कर दिया है, अब हमें हमारा ए एम सी को निकाल के हमारा मोबाइल बॉडी फिटअप कर देंगे दोस्तों। फिटअप करने पर हमारा मोबाइल तो ऑन तो हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद हम आई एम ए रिपेयर करना पड़ेगा फिर से। ठीक है दोस्तों, मैं हमारा ए एम सी को अवेबल भी कर दिया है और प्रोग्राम भी कर दिया है दोस्तों, इसका हेल्थ को रिपेयर कर दिया करके फाइनल से इसमें हमारा बोर्ड में लगा देता है, लगाने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं, आपको मैं बता दूंगा, देख लीजिए दोस्तों। ओके ठीक है दोस्तों, मैं एम एम सी को तो इसमें लगा दिया है, लगाने के बाद हमारा मोबाइल फॉल्ट सॉल्व होता ही नहीं, अब मैं मोबाइल अंदर आपको मैं बता दूंगा। ओके ठीक है दोस्तों, हमारा मोबाइल सक्सेसफुल से ऑन हो चुका है, हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया दोस्तों, लेकिन इसमें एमी कोड तो नहीं रहेगा, फिर से हम इसको आई एम रिपेयर करना पड़ेगा दोस्तों। पहले मैं इसको आई एस पी में कनेक्ट करके एमी इसको रिपेयर करने की कोशिश कर दिया है, पहले मैं इसको आई एस पी में कनेक्ट करके रिपेयर करने ट्राई कर दिया दोस्तों, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको एम एम सी रिमूव करके फिर से करने पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एम एम सी सही हो गया है, हेल्थ डैमेज सही हो गया दोस्तों। होने के बाद में सिक्योरिटी फिर सॉलिड नहीं हुए, इसलिए ओनली डंप को रीड करके बाद में फाइनल डालने पर हमारा मोबाइल तो ऑन हो गया है। एक तरह से हम डेड एम एम सी को हेल्थ डैमेज हुआ तो रिपेयर कर लेना है दोस्तों, ये पूरा ऑन होगा फिर से मैं आपको बता दूँगा, ऑन होने थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। ओके अब देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा मोबाइल तो लो आ गया, ऑन हो चुका है, देख लीजिए पूरा सेटअप कर देंगे हम। अब देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, ठीक है दोस्तों, वीवो वाई 51L एंड्रॉइड वर्जन, इसमें 2GB रैम 16GB वाला इंटरनल मेमोरी रहेगा, IM1 IM2 नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि पूरा हमारा रहेगा दोस्तों। इसको हम IM रिपेयर करने पर हमारा नेटवर्क आ जाएगा, देख लीजिए एक बार, IM आपको मैं बता दूंगा, इनवेल्ड IM दोस्तों। ये तरीके से हम हमारे मोबाइल को रिपेयर कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप चेक करके ऐसा टेक्निकल और लेटेस्ट वीडियो आप ले मिलेगा दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।